हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं, और आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आप सब ने जो सुपर थैंक्स का गिफ्ट मेरे लिए भेजा है, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और आप सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मुझे एक कहावत याद आ रही है, बिना मांगे जो प्यार मिलता है वो अपार मिलता है। ठीक है, सो जब ईश्वर कृपा बरसाते हैं ना, जब ईश्वर आपसे प्यार करते हैं तो वो अपार प्रेम करते हैं, अपार प्यार करते हैं, राइट? सो उसी तरह से आप सब भी मुझसे अपार प्यार करते हैं, अपार प्रेम करते हैं। आप सब मेरे लिए एक्चुअल में ईश्वर का ही रूप है, दिव्य शक्तियाँ हैं, एंजल्स हैं, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजते हैं, ठीक है, जो गिफ्ट्स भेजते हैं और मुझे स्पेशल फील कराते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सब मेरे लिए सुपर डुपर स्पेशल हैं, मेरे सुपर हीरोज हैं, मेरे सुपर हीरोइंस हैं। ठीक है, आप सब में एक्चुअली सुपर नेचुरल पावर्स है। पूरी तरह से आप लोगों ने अपने सुपर थैंक्स से मुझे ढक दिया है। ठीक है, मैं ओवरवेल्म हो गई हूँ। सो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई लव फॉर ऑल ऑफ यू। आई रियली लव यू ऑल, एंड एक एक मेरा डिवाइन फैमिली मेम्बर मेरे लिए मेरी दुआओं में शामिल है और एक स्पेशल जगह है आप सब की मेरे दिल में। आप सब मेरी प्रार्थनाओं में शामिल हैं। मैं चाहती हूँ हर समय एक दिव्य कवच आपकी रक्षा करे, ठीक है, आपके परिवार की रक्षा करे, धन से संबंधित आपको कोई समस्या ना फेस करनी पड़े, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई समस्या फेस ना करनी पड़े, आपके जो प्रियजन हैं वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है, आप हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, राइट? एक दिव्य कवच हर समय आपके साथ चले। और ये जो प्यार आप मेरी तरफ भेज रहे हैं, ये जो पॉजिटिविटी आप मुझे देते हैं, ठीक है, इससे एक पॉजिटिव ऊर्जा मेरी आत्मा में जनरेट होती है, जो आपकी तरफ मैं भेजती हूँ, ठीक है। हो सकता है वो आपको दिखती ना हो, लेकिन वो आपको फील ज़रूर होगी, ठीक है। और मेरी जो दुआ है वो कभी भी खाली नहीं जाएगी आपके लिए, राइट? सो मैं चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में अपार धन आए, अपार प्रेम आए, ठीक है, आपके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है, चाहे आप कितना भी बांटें, कितना भी अपने शौक पूरे करें, पर आपका धन कभी समाप्त ना हो। सो इस पॉजिटिविटी के साथ मैं ये पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ आप सबकी तरफ, और मैं नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ अपने उन सुपर हीरोज के, उन सुपर हीरोइंस के, जिन्होंने मेरे लिए सुपर डुपर थैंक्स भेजा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो सबसे पहला नेम आ रहा है फिर से कल्याण सुंदरम जी का। थैंक यू सो मच, आपका कल्याण हो, ठीक है, मेरे सारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स का कल्याण हो। सो कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि जब भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आए हुए जितने भी मेरे गिफ्ट्स हैं और मैं उनके सबके नेम्स शाउट आउट करती हूँ, सो जब पूरी लिस्ट फिनिश हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे पहला जो सुपर थैंक्स होता है, जहाँ से नई शुरुआत होती है, वो होती है कल्याण सुंदरम जी की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। सो सबसे पहला नेम आपका फिर से आ रहा है कल्याण सुंदरम जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। ऑस्ट्रेलिया से मुझे सुपर थैंक्स भेजा है गिड्स 7777, थैंक यू गिड्स, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। सुषमा कुमारी, थैंक यू सो मच सुषमा, थैंक्स अलॉट, यूर एन एंजल। विहान शुक्ला, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट विहान। केविन, थैंक यू, थैंक्स अलॉट केविन। लीना मिश्रा, थैंक यू लीना, थैंक्स अलॉट। मुझे पता है कि आप एक्चुअल में दिव्य शक्तियों का अंश है, ठीक है, दिव्य रूप है, देवदूत हैं, एंजल्स हैं, ठीक है, एंड नो मैटर आप इस वर्ल्ड में, ग्लोबली आप कहीं पर भी हैं, इस दुनिया में आप इस संसार में कहीं पर भी हैं, ठीक है, आप एक एंजल हैं, और आप तक मेरी ये पॉजिटिव एनर्जी जो मैं रेसिप्रोकेट कर रही हूँ आपके लिए, ये 100 times मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ रही है, और आपके लिए ये मैजिकली वर्क करने वाली है, ठीक है। सो हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक यू वंस अगेन। हेतल, थैंक यू हेतल, थैंक्स अलॉट। अरुण कुमार यादव, थैंक यू अरुण, थैंक्स अलॉट। नारायण छेत्री, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। देवेन शाह, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। जयश्री माहवंशी,
थैंक यू वंस अगेन जयश्री, थैंक यू. जया व्यास फ्रॉम यूएस, थैंक यू जया, थैंक्स अ लॉट. रेखा गोगोई छेतिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. लेडी जी फ्रॉम लंदन, आई लव यू सीरियसली, आपको मैंने याद किया और आप हाजिर हो गए, थैंक यू सो मच लेडी जी, थैंक्स अ लॉट. एंड यू हैव नो आइडिया कि आप मेरे चेहरे पे जो मुस्कान आप लाते हो, इतना सारा प्यार आप बरसाते हो मेरे ऊपर, आई हैव नो वर्ड्स, आई डोंट नो हाउ टू रेसिप्रोकेट दिस, बट आई एम सीरियसली सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेसिप्रोकेशन टू यू. ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी टूवर्ड्स यू. मैं चाहती हूँ आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स हों और बहुत सारी खुशियाँ आप पर बरसे, राइट. थैंक यू सो मच, आई लव यू. लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, थैंक्स अ लॉट लेट आर्ट वर्क्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन. सुनीता तोमर, थैंक यू सो मच सुनीता, थैंक्स अ लॉट. नेचर ब्यूटी, थैंक यू नेचर ब्यूटी वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट. पुष्पेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. शैलेंद्र उटेकर, थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, थैंक्स अ लॉट. गुंजन पटनायक, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. अंकुश माली, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. डेपर लिजर्ड फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू वंस अगेन, वेयर वर यू, आई वॉज मिसिंग यू, थैंक्स अ लॉट डेपर लिजर्ड. मनी लाल, थैंक यू सो मच मनी लाल, कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा मनी लव्स मी, ओके. सोहिनी बिस्वास, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सोहिनी. सो आते हैं आज के डाउनलोड पर. आप सब सच में, यू गाइज आर रियली, आप सब रॉयल हो, ठीक है. मेरे लिए आप लोग रॉयल हो और मेरे लिए आप एक एंजल हो, ठीक है, डिवाइन एंजल हो. जीवन में जब हम दिक्कतों का सामना करते हैं, जब कठिनाइयों को फेस करते हैं, जब एक डिवाइन बीइंग है ना, एक जो प्योर सोल होता है, जब वो नेगेटिव लोगों से घिर जाता है ना, जब ईश्वर उसको जागृति देना चाहते हैं, जब ईश्वर चाहते हैं कि उसकी सोल एनलाइटन हो, राइट, तो उसके आसपास इतने ज़्यादा बुरे लोगों से उसका सामना करवाया जाता है, इतने ज़्यादा डार्क लोगों से उसका सामना करवाया जाता है, जो नेगेटिविटी की गिरफ्त में होते हैं जो लोग, तो वो व्यक्ति जो डिवाइन बीइंग होता है, वो बेचारा यू नो सप्रेस हो जाता है. उसको फील होता है कि शायद अच्छाई इस दुनिया में वास ही नहीं करती, राइट. लेकिन आप सब ने ये चीज़ शो किया है, आप सब उदाहरण हैं इस बात का कि सच में इस दुनिया में अच्छाई आज भी वास करती है, सच में इस दुनिया में प्यार आज भी वास करता है, ठीक है. लोग आज भी पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हैं, लोग आज भी पॉजिटिविटी को धारण करते हैं, और पॉजिटिविटी का अंत कभी नहीं हो सकता, पॉजिटिविटी अनंत है. पॉजिटिविटी की जो शक्तियां हैं, ठीक है, वो अनंत हैं और वो आप सब में वास करती हैं, राइट. आप सब उस पॉजिटिविटी का रूप है, राइट. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल, आई रियली लव यू ऑल. सो आते हैं आज के डाउनलोड पर, ठीक है. मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है पितृदोष, ठीक है. किसी खास व्यक्ति के लिए ये मैसेज है, और जिस किसी के लिए भी ये मैसेज आ रहा है, आपको एक्चुअल में आइडिया होगा कि ये आपके लिए है. सो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने काफ़ी ज़्यादा नफरत फेस करी है अपने ही पेरेंट्स की, ठीक है, अपने ही पेरेंट्स ने, खुद के उसके अपने पेरेंट्स ने, या फिर उसके जो इन-लॉज हैं, ठीक है, ससुराल पक्ष के जो उसके मदर फादर हैं, ठीक है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, तो जो पेरेंटल फिगर है, जो माता पिता तुल्य लोग हैं, राइट, जिनसे माता पिता जैसा रिश्ता है, राइट, मदर फिगर फादर फिगर, कोई ऐसा पर्सन है जिसने एक्चुअल में इन रिश्तों से यू नो बहुत ज़्यादा नफरत फेस करी है, बहुत ज़्यादा घृणा मिली है उसको अपने ही पिता से, अपनी ही माँ से, राइट, या फिर अपने ही सास ससुर से, राइट. तो किसी तरह से अपने पेरेंट्स से उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घृणा मिली है. अपने ही बच्चे से हो सकता है किसी के पेरेंट्स कंपटीशन करते हों, राइट. सो इस तरह की एनर्जी कुछ आ रही है. सो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस भी घर में ऐसा कुछ होता है, या जिस भी व्यक्ति ने ऐसा कुछ फेस किया है, राइट, या जिसके माता पिता ऐसा कुछ करते हैं अपने बच्चे के साथ, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ये बहुत बड़ा साइन है, ठीक है, पितृदोष का, ओके. ये पक्की बात है कि उस घर में एक्चुअल में पितृदोष है. सो
जब आप अपने ही बच्चे से नफरत करने लग जाओ, जब आप अपने ही बच्चे से कंपटीशन करने लग जाओ, जब आप अपने ही बच्चे को प्रोग्रेस करते हुए देखकर उससे घृणा करने लग जाओ, जिस घर में बड़े बुजुर्ग इमेच्योर बिहेव करने लगे, ठीक है, बचपना दिखाने लगे, सो डेफिनेटली ये पितृदोष को दर्शाता है। और आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इस चीज़ को फेस किया हो, आपके ही पेरेंट्स ने हो सकता है आपके साथ कॉम्पीट किया हो, आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स आप से यू नो आपकी प्रोग्रेस को देख के, आपकी सफलता को देखकर वो खुश नहीं होते हो, और ये चीज़ बहुत दुखद है। सो ये चीज़ उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दुखद होती है जो इस तरह की चीज़ झेल रहा होता है, राइट, अपने ही पेरेंट्स की तरफ से उसको घृणा मिल रही होती है, अपने ही पेरेंट्स की तरफ से उसको यू नो कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर के बड़े अपने ही बच्चों के बीच में कंपटीशन करवा रहे होते हैं। सो ये साइन होता है पितृदोष का, ठीक है, या सो ऐसे घर में डेफिनेटली बरकत नहीं होती है, ऐसे घर में लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, ठीक है, और हो सकता है उनके अपने बच्चे उनसे दूर हो जाए, या सो इस तरह की सिचुएशन होती है जब पितृ नाराज होते हैं। फ्रेंड्स प्लीज डू नॉट फोर्स द रीडिंग, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सत्य बताया जाता है, यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करी जाती हैं, और सत्य हमेशा कड़वा होता है, ठीक है, और ये जो सत्य है ना, इसको एक्सेप्ट कर पाने का जो सामर्थ्य है, ठीक है, वो हर किसी में नहीं होता है। यहाँ पे मैं कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करती, ठीक है, हो सकता है कई बार जो मेरे व्यूअर्स हैं आप भी गलत हो सकते हैं, ठीक है, आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, आप भी मनुष्य हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ वो ऐसी है कि आप बेवजह किसी को नहीं छेड़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई छेड़ता है, कोई आपको बेवजह परेशान करता है, तो आप उसको छोड़ते नहीं हैं, राइट, सो आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इवन भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अन्याय सहता है, जो चुपचाप अन्याय सहता है, वो भी यू नो पाप का भागीदार बनता है। सो आपको चुपचाप बेवजह अन्याय नहीं सहना है अपने लिए, राइट, सो आपको गलत के प्रति डेफिनेटली आवाज़ उठानी है, और बेवजह आप कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं, राइट, सो इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है कि आपके पितृ आपसे कह रहे हैं कि आप ही उस पितृदोष को शांत कर सकते हैं। सो अगर ये सिचुएशन आपके साथ हुई है कि आपको अपने पेरेंट्स की घृणा फेस करनी पड़ी है, आपके पेरेंट्स आपके साथ कंपटीशन करते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी प्रोग्रेस को देखकर खुश नहीं होते हैं, तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो पितृ हैं, वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो आपके पेरेंट्स के द्वारा करी हुई पूजा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप यू नो उस पूजा को करवाएं, और आपके द्वारा करी हुई पूजा को ही आपके पितृ एक्सेप्ट करेंगे, आपके द्वारा करी गई पूजा को ही आपके पितृ एक्सेप्ट करेंगे, और उसी से पितृ दोष की शांति होगी, ठीक है, ये किसी खास व्यक्ति के लिए ये मैसेज आ रहा है। सो आपको चूज किया है आपके पितरों ने, आपके एंसेस्टर्स ने, ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्पेशली जो फीमेल एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जो डिवाइन फेमिनिन एंसेस्टर्स हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, एंड वो ये चीज़ बोल रही हैं कि आपके द्वारा करी गई पूजा को वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगी, चाहे आपके पेरेंट्स कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे आपके घर में कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, पितृदोष की शांति नहीं हो सकती अंटे अनलेस आप वो चीज़ करें, राइट, सो मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगी जो आप कर सकते हैं, बहुत सरल है, ठीक है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है अमावस्या के दिन, मैंने ये अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है, बट यहाँ पे पूर्वजों की बात आई है और पितृदोष को शांत करने की बात आई है, ठीक है, कहीं किसी के घर में कोई पितृदोष जनरेट हो रहा है, सो डेफिनेटली ये उपाय बताना बनता है, ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं ईश्वर की एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, उनकी ही उनकी बताई हुई ड्यूटीज़ मैं कर रही हूँ, ठीक है, सो आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, अगर हो सके तो बूंद भर उसमें गंगा जल डाल दें, जितनी आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से गंगा जल डाल सकते हैं। आपको अमावस्या के दिन ये चीज़ करनी है, और वो जो तांबे का लोटा है उसको ले जाकर शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है किसी भी मंदिर में, ठीक है, और आपको शिवलिंग से होते हुए जो जलेरी से जो जल निकलता है उसको वापस उस तांबे के लोटे में भरना है, और अशोक के पेड़ का जो पत्ता होता है आप एक पत्ता ले लीजिए, उससे
आकर अपने जो पूर्वज हैं उनकी फ़ोटो पर आप छिड़काव करिए और उनको चंदन का तिलक लगाइए, राइट। उनको आप पीले फूल भी चढ़ा सकते हो जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। अगर आप और किसी रिलीजन से हैं तो आप अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो पर येलो कलर के फूल ज़रूर चढ़ाइए, उनको येलो कलर के फूल बहुत पसंद हैं, येलो कलर का कपड़ा उनको चढ़ाइए, ठीक है। ये चीज़ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही है, राइट। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपके घर में अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हो अपने पेरेंट्स की तरफ से या अपने माता पिता तुल्य लोगों की तरफ से अगर आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपके घर में पितृदोष जनरेट हो रहा है, राइट। और उसका निवारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ, ठीक है। कोई भी नेगेटिव अटैचमेंट अगर आपके आभा मंडल में एंटर करने की कोशिश कर रही हो तो वो बैकफायर हो, वापस वहीं जाकर गिरे जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो, राइट। मैं चाहती हूँ कि सारी नेगेटिविटी जो मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में हो, जो उनके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, वो सब बैकफायर हो, ठीक है, वापस वहीं जाकर गिरे जहाँ से वो आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। राइट। देखते हैं, आज डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। दिस इज टू क्विक, ओके। ये स्पिरिट्स, ये एंजल्स, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है। वाओ, महादेव की एनर्जी है यहाँ, यस, महाकाल, राइट। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, ओके, राइट। या आप भी सत्य बोलना पसंद करते हैं और सत्य सुनना पसंद करते हैं, या आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, राइट। एंसेस्टर्स, सो डेफिनेटली एंसेस्टर्स की स्पिरिट आपसे यही बात बोलना चाह रही है, ठीक है। उन्हीं की तरफ से ये मैसेज आ रहा है और उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई है, ठीक है, अपनी प्रेजेंस दिखाई है, कंफर्मेशन दिया है उन्होंने कि यस, डेफिनेटली कोई पितृ दोष फेस कर रहा है और ये पितृ दोष सिर्फ आपकी तरफ से ही उसका निवारण हो सकता है, ठीक है। उस पितृ दोष को आप ही दूर कर सकते हैं, ये चीज़ आपके पितृ कह रहे हैं, राइट। सबसे पहले पितरों का ही मैसेज ले लेते हैं, आपके एंसेस्टर्स का मैसेज ले लेते हैं, ठीक है। एंसेस्टर स्पिरिट है यहाँ पे, राइट। कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ, यस। आई एम गेटिंग मैसेज, आई एम गेटिंग अ डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है, चैनलाइज मैसेज आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि आपके घर के जो बड़े हैं, ठीक है, उनकी तरफ से कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से पितृदोष क्रिएट हो रहा है घर में, राइट। उन्होंने कुछ, आपके घर के बड़ों ने हो सकते हैं कुछ ऐसी गलत एक्टिविटी करी है, कोई ऐसी गलत चीज़ है जो आपके घर में, आपके कुल में पितृदोष जनरेट कर रहा है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बड़े होते हैं उनसे भी गलती हो सकती है, राइट। जिसकी वजह से पितृदोष फॉर्म हो रहा है आपके कुल में, राइट। आपके पितरों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और वो चाहते हैं कि ये पितृदोष आप ही दूर कर सकते हैं और आपसे ही वो इन चीज़ों को, इस दोष को दूर करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है, आप पवित्र हैं, किसी भी तरह का छल कपट आपके मन में नहीं है, किसी भी तरह की द्वेष भावना से आप दूर हैं, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, ठीक है, आप सत्य बोलना पसंद करते हैं और जब आप गलती करते हैं तो आप अपनी गलती को भी एक्नॉलेज करने से हिचकिचाते नहीं हैं, ये मैसेज आ रहा है। इसी वजह से आपके पितृ आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ही उनका उद्धार करें, राइट। यस, लॉर्ड शिवा, महादेव, हर हर महादेव, या ओम नमः शिवाय, ओके। राइज अप, या आपको रेज किया जा रहा है, आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है, शिव शक्ति की तरफ से आपको उच्च स्थान दिया जा रहा है,
आपके पितरों की तरफ से आपको उच्च स्थान दिया जा रहा है, ठीक है। सो आप डेफिनेटली बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर हैं एंड आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपके सारे चक्रास बैलेंस में है, ठीक है। आप पूरी तरह से, आपका जो माइंड बॉडी एंड सोल है वो पूरी तरह से अलाइन है, ठीक है। एंड आप बहुत सरलता से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं जीवन में। डेफिनेटली आपकी तरफ समस्याएं भेजी जाती हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपके जो आपका जो कुल है उसमें पितृदोष जनरेट हुए हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ अन्याय हुआ है ना, आपके साथ गलत हुआ है। जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हो आपके साथ वैसा बर्ताव किया गया है, जिसकी वजह से आपके पितृ बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ठीक है, उन लोगों से जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, राइट। सो आपको इन अ वे कह सकते हैं कि शिव शक्ति ने अपनी गोद में उठा लिया है, ठीक है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, ऑनर करिए, ठीक है, सम्मान करिए उस शक्ति का जो आपके अंदर जागृत हो गई है, पहचानिए उसको, है ना। अब आप शायद रोते नहीं हैं, बहुत कम अपने आंसू दिखाना पसंद करते हैं, और या फिर जब भी आपके आंसू बहते हैं तो बस ईश्वर के प्रेम में ही आपके आंसू निकलते होंगे, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आपको स्टेप्स दिए जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ईश्वर की तरफ से मार्गदर्शन दिया जा रहा है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट अ स्पीकर, मैं एक माध्यम हूँ उनके मैसेजेस को आप तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। डांस विद यूनिवर्स, सो यूनिवर्स के साथ इंजॉय करिए, ठीक है। पूरी तरह से एक जो शून्य की एनर्जी है ना, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था और जहाँ से इस संसार की उत्पत्ति हुई है, जो शून्य की एनर्जी है, जो प्रसन्न है, ठीक है, कोई किसी चीज़ को खोने का डर नहीं, किसी चीज़ को पाने का लोभ नहीं, ठीक है, उस एनर्जी में आप पहुँच चुके हैं, है ना। और वो एनर्जी इमेंस हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, इमेंस हैप्पीनेस देती है, ठीक है। आप इमेंसली हैप्पी हैं और यूनिवर्स आपको हैप्पी रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है महादेव की तरफ से, ओके। डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, यस, डिवाइन ऑर्डर। सो ईश्वर आपको ओके। सो पहले हो सकता है आप यू नो रिक्वेस्ट करते रहे होंगे लोगों से, लेकिन अब आपका समय आ चुका है कमांड करने का, ठीक है, आदेश देने का। आपको वो पोजीशन आपको वो पोजीशन प्रदान करी जा रही है जब आप कमांड करेंगे, ठीक है। अब आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिल चुकी है, बहुत बड़ी पदवी आपको प्राप्त हो चुकी है। ये चीज़ आपको शिव और शक्ति, आपके पितृ और डिवाइन एनर्जीज, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उन्होंने आपको ये चीज़ प्रोवाइड करी है। और वो ये जो शक्तियाँ हैं आपके अंदर, आप खुद धारण करते हैं, जागृत अवस्था में आ चुकी हैं ये शक्तियाँ आपके अंदर, ओके। या सो अब आप इस स्थिति में आ चुके हैं जब आप ऑर्डर देंगे, ठीक है, आप कमांड करेंगे, राइट। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, अब आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, आदेश देते हैं, और वो स्थान आपने स्वयं प्राप्त किया है, अपनी प्योरिटी से प्राप्त किया है। इसीलिए आपको बार बार अटैक किया गया, बिकॉज आप एक प्योर सोल हो, इनोसेंट सोल हो, है ना, सीक्रेट सेल्फ। अनलीश योर स्पिरिट, यस, आपने जंजीरों को तोड़ा है, आपकी प्योर सोल को बांध कर रखने की कोशिश करी गई, जकड़ने की कोशिश करी गई, ठीक है, ट्रैप करने की कोशिश करी गई, गंदी नकारात्मक शक्तियों ने आपको ट्रैप करने की कोशिश करी, और हो सकता है आपके खुद के पेरेंट्स ने ऐसा करने की कोशिश करी, आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करी गई। ये बहुत दुखद है, अपने पेरेंट्स की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ फेस करना, अपने पेरेंट्स को ऐसा कुछ करते हुए देखना, ठीक है। अगर आपके इमीडिएट पेरेंट्स नहीं हैं तो आपको बेटर पता है ये क्या सिचुएशन है, आपके माता पिता हैं या आपके माता पिता तुल्य लोग हैं जिन्होंने आपको बांध के रखने की कोशिश करी, ठीक है, आपको स्लो डाउन करने की कोशिश करी, आपके जीवन की गति को धीमा करने की कोशिश करी, इवन उन्होंने आपका अंत करने का भी प्लान किया, प्लॉट किया।
सो इन सब चीज़ों की वजह से जो पितृ है ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत नाराज़ हैं, और वो अब उन लोगों के द्वारा करी गई पूजा को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। सो आपने अनलीश किया है अपनी उस स्पिरिट को, ठीक है, जिसको बांधा गया था। आपने अपनी पवित्र आत्मा को जागृत अवस्था में लाकर उस बंधन से मुक्त कराया है, उन बेड़ियों उन जंजीरों को तोड़ा है आपने, राइट। और अब आपने अपने विंग्स पूरी तरह से स्प्रेड कर दिए हैं। आपने अपनी जो एक एंजेलिक पावर्स हैं, ठीक है, जो सुप्रीम पावर्स हैं, जो ईश्वर ने आपको प्रदान करी हैं, जो आपके एंसेस्टर्स ने आपको प्रदान करी हैं, आपने उन एनर्जीज को अनलॉक कर लिया है, ठीक है, अनलीश कर लिया है उस बंधन से खुद को, राइट। सो उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी, ठीक है, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, अपनी ओछी सोच की वजह से, अपनी घटिया सोच की वजह से, जिस किसी ने आपको अटैक करने की कोशिश करी, अब वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हैं, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि वो आपके ही द्वारा करी गई पूजा को एक्सेप्ट करेंगे और किसी के द्वारा करी गई पूजा को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज आता है, लेट्स सी ये एंजल्स क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। आप गिव अप नहीं करते हो, आप एक बहादुर योद्धा हो, है ना। कड़ी से कड़ी सिचुएशन में आप डटे खड़े रहते हो। आपके ऊपर मल्टीपल अटैक्स किए गए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं ये मल्टीपल अटैक्स, ये बहुत सारे अटैक्स आपके ऊपर किए गए हैं, लेकिन आप इन स्टिक्स के साइज देखिए और आप अपना साइज देखिए, ठीक है। आप अब इन अड़चनों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर ने आपका जो कद है वो बहुत ऊंचा कर दिया है, ठीक है। या बहुत सारे चैलेंजेस आपकी तरफ भेजे गए, सी मल्टीपल चैलेंजेस, आप एक घायल योद्धा हैं, ठीक है। आप कभी गिव अप नहीं करते हैं आसानी से, आप बहुत रेजिलियंट हैं, ठीक है, टिके रहते हैं। आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ दिक्कतें चल रही थी, बहुत दिक्कत थी। समस्याएं क्रिएट करने की कोशिश करी गई है आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस लाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। किस तरह की डिस्ट्रैक्शंस की बात हो रही है ये, जिस पर आपने एक्चुअल में विजय प्राप्त करी है, ओके, किस तरह के चैलेंजेस की बात हो रही है ये, क्या किया गया है, क्या चैलेंजेस हैं, ओके, क्या चैलेंजेस क्रिएट करे गए, किस तरह के चैलेंजेस की बात हो रही है, किस तरह के चैलेंजेस की बात हो रही है, किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह के चैलेंजेस की बात हो रही है, आपका जो स्थिर जीवन है, ठीक है, आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी है, जो एक संपन्न जीवन है आपका, मैंने बताया ना कुछ कंपटीशन की भावना रही है ना, लोगों को जिन्होंने आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करे हैं, तो आपको अकेला करने की कोशिश करी, आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश करी गई है, या लेकिन उस अकेलेपन का आपके जीवन में डेफिनेटली दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, आपको दुखी करने की कोशिश करी गई है, ठीक है, किसी भी रूप में, ठीक है, आप चाहे भ्रम कह सकते हो, भ्रम की स्थिति आपकी तरफ भेजी गई, ठीक है,
नकारात्मक विचारों की स्थिति आपके जीवन में क्रिएट करी गई, एक डिल्यूजन आपके दिमाग में डाला गया, ठीक है, भ्रम आपके दिमाग में डाला गया, ताकि आप और आपके पार्टनर अस्थिर हो जाओ, आपका जीवन अस्थिर करने की कोशिश करी। लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है, आपने बहुत बहादुरी से उन चैलेंजेस का सामना किया है, राइट। और आप वो जो एक लव हेट सिचुएशन है ना, एक रूठना मनाना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत लड़ाई झगड़े आपने जो फेस किए हैं, तो एक समय ऐसा आ गया था जब आप अपने पार्टनर से बिल्कुल ही अलग हो गए थे, ठीक है, सेपरेट हो गए थे, एंड आपने उस सेपरेशन का सही उपयोग किया, ठीक है, आपने उस सेपरेशन पीरियड में अपना वर्क किया, अपना इनर वर्क किया, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाया है, राइट, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, योगा करके, बुक्स पढ़ के, या फिर अपने करियर को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर आगे बढ़ाकर, ठीक है। तो आपने जो आइसोलेशन पीरियड है ना, जो अकेलापन है, उसमें आपने उसका उपयोग आपने बहुत अच्छा किया है। बहुत चैलेंजेस रहे हैं आपके पार्टनर के और आपके बीच में, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े, ठीक है, विश्वास की कमी रही है, डिल्यूजन क्रिएट करा गया है, राइट। और ये डिल्यूजन आपके जीवन में, ये आपको दिख रहा है या विंडो के पीछे छिपे हुए लोग दिख रहे हैं, या सो ये हिडन लोग हैं, हिडन एनिमीज हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके जीवन में ये पीछे छिपे हुए हैं, लेकिन ये एक ग्रुप में वर्क करते हैं आपके अगेंस्ट, क्योंकि ये आपकी प्योरिटी से जलते हैं। सो इन्होंने ये आपके जीवन में डेफिनेटली चैलेंजेस क्रिएट करे, और ये चैलेंज आपने साइलेंटली सफ़र किया है, आपने किसी से भी शेयर नहीं किया है इस विषय में, ठीक है, आपने किसी को भी शेयर नहीं किया है, और अगर आपने किसी को शेयर किया भी है तो वो व्यक्ति भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है, ठीक है, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से। सो आपको रोका जा रहा है कि किसी से भी अपना दुख आपको शेयर नहीं करना है, कोई इस संसार में ईश्वर के अलावा नहीं है जो आपके दुख को समझ सके। सो ये मैसेज आ रहा है महादेव की तरफ से आप सबके लिए, ठीक है। सो आप वेट कर रहे हैं, या ये लोग वेट कर रहे हैं, आपके डाउनफॉल का वेट करते हैं ये लोग, ठीक है। आपने हो सकते हैं इन लोगों की तरफ पीठ कर दिया है, आपने इन लोगों से कॉर्ड कटिंग कर ली है, राइट, डिस्टेंस कर लिया है खुद को, आपको पता चल चुका है, डीप विद इन आपके इंट्यूशन ने आपको बता दिया है कि ये लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, कितना भी स्पेशल रिश्ता हो, आपने उस रिश्ते का मान रखा है, आपने हमेशा प्यार दिया है, लेकिन आपके पीठ पर खंजर भोंके गए हैं, ठीक है, उन लोगों ने ही ये काम किया है जिनको आपने प्यार दिया, आदर दिया, रिस्पेक्ट दी, ठीक है, आपसे कंपटीशन की भावना उन लोगों के मन में रही है हमेशा से, और ये बहुत मीन मेंटालिटी को दर्शाता है, ठीक है, बहुत गलत आचरण है ये, लेकिन आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, आपको न्याय मिल रहा है, आपको डेफिनेटली जस्टिस मिल रहा है, जो कुछ भी आपने फेस किया है, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं, आपको अब जस्टिस सर्व हो रहा है। सो ईश्वर डेफिनेटली आपका साथ दे रहे हैं, जस्टिस आपके फेवर में है, ठीक है, न्याय आपके फेवर में है, या सो डेफिनेटली आपको जस्टिस दिया जाएगा। ये चीज़ एक्नॉलेज की गई है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, ईश्वर ने ये चीज़ डेफिनेटली देखी है, पहचानी है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहा है कि आपको उसी समय न्याय क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं उन दुष्ट लोगों को सज़ा दी गई। सो ऐसा इसलिए क्योंकि आप उतने मैच्योर नहीं थे कि आप उनको सज़ा पाते हुए देख के समझ पाए, लेकिन अब आप मैच्योर हैं और आपको पता है जब आपके एनिमीज़ को कर्मा फेस करना पड़ेगा, उनको जब सज़ा मिलेगी, सो आप पूरी तरह से ये चीज़ समझ सकते हैं कि वो आपके साथ गलत किए हुए कर्मा को फेस कर रहे हैं, राइट। सो ईश्वर उस चीज़ का वेट कर रहे थे कि आप जब मैच्योर हो जाएंगे तब आपके जो हेटर्स हैं, कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ठीक है, तब उनको उनका कर्मा दिया जाए, ताकि उनके बच्चे को ये क्लियरली समझ में आ सके कि उनके बच्चे के साथ गलत जिसने किया है उसको डेफिनेटली कर्मा मिल रहा है, राइट। और ये आपकी विक्ट्री है। सो डेफिनेटली चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जीत आपकी होनी है, क्योंकि आप सही रास्ते पर हो, ठीक है, क्योंकि आप सत्य के रास्ते पर हो। जिस दिन आपने कोई गलत रास्ता चुना तो उसके बाद ईश्वर साथ नहीं देते हैं, राइट, हमेशा सही राह पर चलना है,
और उस रास्ते पर ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे। सो ये मैसेज आ रहा है स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए, राइट? देखते हैं क्या मैसेज आए हैं। यू आर स्ट्रांग, यस, नो डाउट यू आर स्ट्रांग। आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं आसानी से। या डेफिनेटली यू आर स्ट्रांग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है? आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, आपको गिव अप करना पसंद नहीं है। ओके, लेट्स सी। यू आर शेडिंग नेगेटिव एनर्जी, या तो जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है वो अब दूर हो रही है। जो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी आप उसको शेड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है? अब उस नेगेटिविटी का आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? यू आर शेडिंग ऑफ ऑल द नेगेटिव एनर्जी, राइट? आप या आपने अगर किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा को यू नो एब्जॉर्ब कर लिया था तो वो शेड ऑफ हो रही है, बैकफायर हो रही है। या यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, आपसे प्यार करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? आप उनकी जिंदगी का सच्चा प्यार है, आप उनका सच्चा प्यार है। यू हैव बिग चैलेंजेस, या यू हैव बिग चैलेंज टू ओवरकम, नो डाउट यू विल, यस। सो आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंज भेजे गए हैं और आगे भी ये लोग आपकी तरफ चैलेंजेस भेजते रहेंगे, ये मैसेज आया है। लेकिन आप उस चैलेंज पर विक्ट्री प्राप्त करेंगे, आप उस चैलेंज को हराएंगे, ठीक है? यू विल ओवरकम। तो ये जो कोई भी है, ये यू नो मरते दम तक आपको परेशान करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने यू नो दानवों को अपनी आत्मा बेच रखी है, राक्षसों को अपनी आत्मा बेच रखी है। बेसिकली बाय चॉइस नेगेटिव लोग हैं, ठीक है? कोई विवशता नहीं है, ये स्वयं इन्होंने गलत मार्ग चुना है अपने लिए। सो ये कुछ मैसेज आ रहा है। बी केयरफुल, आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? चैलेंजेस आपकी तरफ भेज रहे हैं लोग, सो आपको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, बी केयरफुल। टॉल लेडी, सी, कोई टॉल लेडी है, ठीक है? कोई लेडी है जिसकी हाइट अच्छी खासी है, ठीक है? और यस, अटैक्ड योर मेंटल हेल्थ। आपके मेंटल हेल्थ को अटैक किया गया है, ठीक है? आपके विचारों को अटैक किया गया है। सो ये कोई टॉल लेडी है जो छिपकर इस तरह की एक्टिविटी करती है, राइट? अब आपसे ये चीज़ छिपी नहीं है, ये आपको पता चल चुका है। सो कोई फीमेल है, सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड। सो इस लेडी ने आपके सेक्रल चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी है, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी है ना? आपको हो सकता है नर्व्स में, हो सकता है कुछ यू नो नस वगैरह खिंच जाती हो, गर्दन की आसपास कोई नस आपकी खिंच जाती हो, या आपको कभी नसों में कोई यू नो खिंचाव सा महसूस होता हो। पॉसिबल है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड में पेन वगैरह महसूस हो रहा हो, या अपने पंजों में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। सो ये डेफिनेटली उस नेगेटिविटी का असर है जो आपके अब शेड ऑफ हो रहा है, ठीक है? आपकी बॉडी में जो चीज़ एब्जॉर्ब हो गई थी लेकिन अब वो शेड ऑफ हो रही है, निकल रही है आपकी बॉडी से, ठीक है? तो आई वॉन्ट इट टू गो बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाई इन टू 100। मैं चाहती हूँ ये जो कुछ भी नेगेटिविटी है ये सेंडर के पास वापस चली जाए, 100 गुना और ज़्यादा प्रभाव के साथ उसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार करे जिसने ये नेगेटिव एनर्जी भेजी हो, है ना? सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, राइट? लेट्स सी। ओके, हेटर्स विल रिग्रेट, यस। सो आपके जो हेटर्स है ना ये पछताएंगे, आपसे नफरत करने वाले डेफिनेटली पछताएंगे, ये मैसेज आ रहा है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड फ्रेंड्स, ठीक है? यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स एंड एनिमीज, आपके हेटर्स और एनिमीज शॉक होने वाले हैं, ठीक है? दे बी शॉक्ड। ओके, ये वाला, यू नो योर वर्थ। आपको पता है आप कितने कीमती हैं, राइट? यू नो योर वर्थ, अपने महत्व को पहचानिए, ठीक है? आप अपने या आप अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत करिए किसी के भी लिए,
राइट, ये कार्मिक पार्टनर है। सो ये जो कोई भी हैं जिन्होंने आपके ऊपर इस तरह की कुछ नेगेटिविटी भेजी, कुछ गंदी क्रिया वगैरह करी, यू नो, आपके मेंटल हेल्थ को अटैक किया, आपके विचारों को अटैक किया गंदी क्रियाएं करके, सो ये कोई कार्मिक पार्टनर है ना। आपका इस पर्सन से हो सकता है कुछ कर्मों का लेन देन हो, पिछले जन्मों का कोई कर्मों का लेन देन हो सकता है। फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू, यस, सी, या सो डबल कन्फर्मेशन है, फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू। सो ये कोई फीमेल है, कोई लेडी है, कोई औरत है जो गंदी क्रियाएं वगैरह करती है आप पर, ठीक है। टॉल लेडी, या ओके, समवन इज गोइंग टू मेंटल जेल, यस। सो ये बैकफायर हुआ है और अब वही जो फीमेल है वो डेफिनेटली मेंटल जेल में जाने वाली है, वो खुद ही अपने विचारों में ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। जो चीज़ें उसने आपकी तरफ भेजी थी वो 100 गुना मल्टीप्लाई होकर उसके पास गई हैं और उसके ऊपर ही अटैक करेंगी, ओके। बी इन रिसीविंग मोड, आप रिसीविंग मोड में रहिए कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके, आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। सो कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, आई एम रेडी टू रिसीव हीलिंग्स, यू आर ब्लूमिंग, आप खिल रहे हैं, या आपका जीवन पूरी तरह से महक रहा है, खिल रहा है, खिल उठा है, ठीक है, जिसको डार्क बनाने की कोशिश करी इन लोगों ने। ट्विन फ्लेम पार्टनर्स, पॉसिबल है कि आपके ट्विन फ्लेम की फैमिली का कोई व्यक्ति हो जो आपके ऊपर इस तरह के अटैक्स कर रहा है। देखिए ये नेम इनिशियल हो सकता है उस व्यक्ति का, ठीक है, इनमें से कन्फर्मेशन सुनिए। सो जो कोई भी आप पर अटैक कर रहा है उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर इन लेटर्स से शुरू होता होगा, ओके, तो आपको बहुत सावधान रहना है, बी केयरफुल बोला गया है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाकर रहिए, या ट्रांसफ़र, कुछ ट्रांसफ़र की बात हो रही है, कुछ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर यू नो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा उस व्यक्ति ने अपने अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, अपनी गंदी डार्क एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी। या हो सकता है किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई कहीं से मूव कर रहा है, कहीं यू नो किसी और प्लेस पर मूव कर रहा है, कोई कुछ ट्रांसफ़र आया है यहाँ पे, क्या, ओके, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी फाइव और है यहाँ पे। मनी रेनिंग ऑन टू यू, धन वर्षा, बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो, या बहुत सारी धन वर्षा होने वाली है, ओके, वो थ्री आ गए हैं यहाँ पे। योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विद गॉड एंड गॉडेस, सी, या सो आपके हेटर्स को आपका जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ, ठीक है, उनको पता है ये चीज़, और फिर भी वो आप पर अटैक करते हैं, फिर भी वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियों के यू नो दास हैं, दासियां हैं, राइट। 1444, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपके शील्ड को, आपके कवच को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, ठीक है। मीन टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है, ठीक है, आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं बहुत जल्द, राइट। एक और मैसेज है यहाँ पे, कोई एक और मैसेज है, स्पिरिट्स कह रहे हैं, कन्फ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स ये करने की कोशिश करी है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, पीछे से छिप कर आपके ऊपर वार किए गए हैं, आपके जीवन में यू नो आपको इस स्थिति में लाने की कोशिश करी गई है। आप देख रहे हैं इस यहाँ पे इस विंडो के पीछे लोग छिपे हुए हैं, राइट, तो ये छिप कर किया जाता था आपके जीवन में, ये जो स्पेल्स हैं, ये जो गंदी क्रियाएं हैं, ये छिप कर करी जाती थी, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन में आ जाओ, अपने पार्टनर को लेके, अपने जीवन को लेके आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, है ना। सो ये चीज़ सब फेल हुई है, ठीक है, इनमें से कुछ भी वर्क नहीं करेगा, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, 100 गुना मल्टीप्लाई होकर के उसी व्यक्ति के पास जा रहा है जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ ये भेजा है। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर ये गंदी जो भी स्पेल वर्क है
ये बैकफायर होना चाहिए, उसी व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिस व्यक्ति ने ये मेरे कलेक्टिव्स की तरफ भेजा है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। यस, ओके, राइट। देखते हैं क्या लेटर्स आ रहे हैं, क्या नेम्स हैं, नंबर्स हैं। राइट, एक्स, नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, मुंह छिपा रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ओके, नंबर टू स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, 26, 29 या 2 जून, 6 फरवरी, 8 अगस्त। डिवाइन एनर्जी, ठीक है, क्यू, क्वीन, राइट, क्वीन, किंग। हो सकता है ये पर्सन आपको बार बार ताना मारता हो, महारानी महारानी, कोई हो सकता है आपको बार बार महारानी कहता है, ताना मारता है। या नंबर 9, 26 सितंबर, 8 सितंबर, 6 जून, 2 जून, 2 सितंबर, 6 सितंबर, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। ठीक है, पूरी तरह से बैलेंस में आ जाएगी, नथिंग टू वरी। जीसी, जीआईसी, कुछ बोलना चाह रहे हैं, पिन, कुछ पिन से रिलेटेड आ रहा है। हो सकता है ये पिन आपको, हो सकता है कहीं सुई चुभने जैसा लगता हो। ठीक है, ये पिन चुभाते, हो सकता है इन्होंने किसी तरह की कोई वूडू डॉल वगैरह बना रखी हो, उसमें ये लोग पिन वगैरह चुभाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सो कुछ पिन वगैरह, पिन आ रहा है यहाँ पे। हिंट, सी, आपको हिंट दी जा रही है स्पिरिट्स की तरफ से। किसी को बीपी की शिकायत है, हो सकता है आपके हेटर्स को बीपी की शिकायत हो। ठीक है, हाय, कुछ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड आ रहा है कुछ। हो सकता है आपके हेटर्स या एनिमीज के ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है। ठीक है, और वो चीज़ वो आपको बता नहीं रहे, राइट, सो पॉसिबल है कि उनके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है। CIT, HCG, कोई एक्सपेक्टिंग है, कोई प्रेग्नेंट है, कुछ टेन आ रहा है, टेन, बिन, HBI, HBTI, कुछ HBTI आ रहा है यहाँ, CP, या सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और पितरों के लिए जो मैंने आपको उपाय बताया वो ज़रूर करिए। आपके पितरों को आपसे बहुत उम्मीद है, ठीक है, वो और किसी की भी पूजा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है और ये बात आपके पितर भली भांति जानते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप ही उनकी पूजा करें, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके पितर बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हैं और उनको आपके साथ अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।